बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मौजज़ा है, हकीकत में ये मौजज़ा है कि 3.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का मजमा करबला के लिए रवा दवा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस सरजमीन पे कि वाकई जहाँ कहा जाए कि भाई एक छत जिस पे 1,000 के रुकने की ज़रफ़ियत है उस पे अगर 50,000 लोग आ जाएँ तो उसको बैठ जाना चाहिए। यही सवाल BBC के एक रिपोर्टर ने भी वहाँ से पूछा उससे, और उससे भी ये कहा कि तुम करबलाओं में कहाँ का कितनी आबादी है। उसने कहा मसलन 2 लाख का मजमा, 2 लाख की आबादी है। कहा ये 2 लाख की आबादी के मजमे में ये 3.5 करोड़ या 5 करोड़ का मजमा कहाँ जाता है। कहा यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये ज़िंदा मौजज़ा है कि ज़मीन को बैठ जाना चाहिए। ना ज़मीन बैठती है ना ज़मीन फैलती है, लेकिन ये ज़िंदा मौजज़ा दुनिया देख सकती है कि आज इस ज़माने में 5 करोड़ का मजमा उसी सरजमीन करबला पे एक दिन में कैसे जमा होता है। और ना कोई हादसा होता है ना कोई इत्तेफाक होता है, वरना 20 लाख लोग हज करने जाते हैं, नहीं मालूम वहाँ वहाँ क्या कैसे हालात, हर साल कितने लोग मरते हैं, लेकिन इस सरजमीन से ना किसी के मरने की खबर आती है, ना कोई ऐसे ना खुशगवार वाकये की खबर आती है कि हम कह सकें कि यहाँ एक इत्तेफाक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हुसैन का ज़िंदा मौजज़ा है जो दुनिया देख रही है।